हमारे सौरमंडल का सबसे आखिरी ग्रह। दोस्तों, हमारे सौरमंडल का सबसे आखिरी ग्रह है नेपट्यून। और मैं आपको बता दूं कि नेपट्यून की खोज किसी टेलीस्कोप से नहीं बल्कि एक मैथमेटिक की गणना से हुई थी। जी हाँ दोस्तों, नेपट्यून ग्रह की खोज ली वेरिये ने की थी। ली वेरिये चाहते थे कि उन्होंने जो ग्रह ढूंढा है उसका नाम उनके नाम के साथ जोड़ा जाए, लेकिन हमेशा से ग्रह का नाम भगवान के नाम के साथ जोड़ा जाता है, इसलिए इस ग्रह का नाम रोमन देवता नेपट्यून के नाम पर रखा गया। नेपट्यून हमारे सौरमंडल का आखिरी ग्रह है और सूरज से इतना दूर है कि इसका टेम्परेचर -190 डिग्री तक पहुंच जाता है और यहाँ पर तूफान और हवाएं चलती ही रहती हैं जो मिनिमम 2000 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से चलती हैं। नेपट्यून का एक दिन और पृथ्वी का 16 घंटे बराबर होता है और नेपट्यून का एक साल और पृथ्वी का 165 साल के बराबर होता है। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, इसलिए वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।